अच्छा स्टार्ट ही कर दी, तुम भी सही हो यार। हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वोकैब सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे भाई, जाके सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें, क्योंकि पढ़ाई हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। एक मिनट यार, पेन हो रहा है यहाँ पे। तो अभी ना मैं जा रहा था, एकदम स्टेयर्स की वो जाली सी होती है वो पकड़ी, वो थोड़ी सी टूटी हुई थी, उसकी वजह से लग गोर गई। कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी, कहीं देख लेता हूँ, कहीं मैं मिट्टी मिट्टी हो गया हूँ। तुम बाद में हंसते फिरो, मेरे ट्रोल बनाते फिरो। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। हाँ जी, तो बात यह है कि आफ्टर ऑल हमारा काम है स्टडी करना। हमारा काम है बेटा स्टडी करना, पढ़ाई करना। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी काम है हमें करने होते हैं, ठीक है? तो चीज़ों को रिवाइज किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, हर क्लास को ना 2 से 3 बार रिवाइज कर लो ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना आए। तो ये आपका काम है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, रिपीट करें, वर्ड्स को रिपीट करें, डेली लाइफ में यूज़ करें। और एक चीज़ और है, आज का स्टूडेंट ऐसा है कि उसके अंदर नखरे हैं, आज के स्टूडेंट्स के अंदर नखरे हैं, मेहनत नहीं है। वो मेहनत नहीं करता, वो अपने कंटेंट पे, अपनी चीज़ों पे काम नहीं करता, वो क्लास को रिपीट नहीं करता, वो क्लास को देखता नहीं है, क्लास को शेयर नहीं करता, वो नखरे करता है। ऊपर से कहता है कि सर ऐसा करवा दो, सर वैसा करवा दो। भाई, जो करवा रहा हूँ वो तो कर ले पहले। क्या तुझे वो आता है? आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो उसको सीख ना। नॉलेज मिल रही है यार, ज्ञान मिल रहा है, जहाँ से आता है ले ले, काम आएगा भाई। ये नॉलेज काम आनी है। ये जो तेरे नखरे हैं ना, मतलब तूने अचीव कुछ नहीं किया और नखरे तुम्हारे उस लेवल पे हैं और अचीवमेंट तुम्हारी यहाँ है। ऐसे मत बनो, नखरों को साइड में रखो और अचीवमेंट्स पे, नॉलेज पे, लर्निंग पे, इन चीज़ों पे ध्यान दो, क्योंकि लर्निंग ही है इस टाइम तुम्हारे पास। इस टाइम तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सीखने पे होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सक्सेस होने तक तो क्या लाइफ टाइम इंसान को सीखते हुए रहना चाहिए। मैं भी तो इसी टाइम सीख रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे जैसे एक स्टूडेंट हूँ। मैं पढ़ता हूँ भाई, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, खुद यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, खुद बच्चों को पढ़ा के अपना पेट पालता हूँ भाई। पॉकेट मनी के लिए कुछ भी कर लो, पढ़ाता हूँ ना मैं भी तो अपनी लाइफ के। मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, साथ के साथ क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज भी बढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। दिन में बैठ के 10 घंटे यहाँ पे क्लासेज लगाता हूँ ऑनलाइन, उन चीज़ों को रिपीट करता हूँ, फिर तुम्हारे लिए वो कैप क्लास की तैयारी करता हूँ। और तुम्हें लगता है कि मजाक है, बस 1 घंटा लगा, वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अपलोड कर दी, कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। ऐसा नहीं है, नखरों को साइड में करो, सीखना शुरू करो। नखरे लड़कियों के भी अच्छे नहीं लगते जब तक वो नहीं कुछ सीखती, तुम तो हो भी क्या, समझ गए ना? तो चीज़ों को ध्यान दो, चीज़ों की तरफ ध्यान दो ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आए। पता नहीं किस दिन तुम्हारे नखरे ख़त्म होंगे। कौन सी क्लास आज, कौन सी है विनोद? 25। हाँ, तो आज हमारी वोकैब क्लास नंबर 25 है। अब तक हमने 24 क्लासें ज्वाइन कर ली कंप्लीट कर ली। तो मेरे भाई, अगर कोई नया जुड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वोकैब है जहाँ से शुरू करोगे वहीं से समझ आएगी। लेकिन आपने करना क्या है, जैसे आपने ये क्लास देख ली तो पिछली क्लासेज भी देखो। क्लासेज आपने सारी की सारी देखनी है, ऐसा नहीं कि आपने क्लासेज नहीं देखनी, क्लासेज आपने सारी की सारी देखनी है। लेकिन जैसे आज क्लास नंबर 25 है, 24 देखो, 23 देखो, इस तरह करते करते सारी की सारी क्लासेज कंप्लीट कर लो। ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कर लो, स्पोकन सेशन कंप्लीट कर लो प्लेलिस्ट में जाके, और पुरानी वोकैब जो है वो भी कंप्लीट कर लो। वो तो 20-22 वीडियोस हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भी कंप्लीट कर लो। हो सकता है कुछ वर्ड यहाँ पे मैं ना करवा पाऊँ भी, मैं सोचता हूँ कुछ रूट वोकैब करवाती, तो यहाँ करवाने की नीड नहीं है, मैं सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा फ्रेजल वर्ब्स पर, इडियम्स एंड फ्रेजेस पर, एंडोनिम सिनोनिम्स पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वोकैब तो सारी होनी है, ऑब्वियस है, लेकिन वो तुम पहले से कर लो ना,
क्या पता यहाँ पे करवाने में 6 महीने लग जाएं और वहाँ पे तुम पहले से कर लो। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स ये ज़रूर करें, ठीक है जी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो उस पर भी स्क्रैच आ गया क्या? कोई बात नहीं भाई, चलो जी। हाँ जी, तो आज का हमारा वर्ड नंबर, पहला वर्ड है स्पूरियस। अरे पानी दे, इस पे पानी डाल यार, ब्लडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है थोड़ी। हाँ कोई बात, वर्ड हमारा स्पूरियस क्या है? स्पूरियस जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। पहला वर्ड किस तरह यूज करोगे मेरे बच्चे? पहला वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे। तो वर्ड नंबर एक क्या है? स्पूरियस। ठीक है, मीनिंग हो गया फॉल्स और डिसीटफुल, नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी। कोई चीज जाली होना, कोई भी चीज का जाली होना, नकली होना, फॉल्स और डिसीटफुल। जैसे तुम्हारा चेहरा, तुम अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, दिखाते तुम कुछ हो लेकिन होते तुम कुछ और हो। इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्पूरियस। क्या यूज किया जाता है? स्पूरियस, समझ गए? फॉल्स और डिसीटफुल, नोट व्हाट इट अपीयर्स टू बी, मतलब जो तुम हो वो तुम अपीयर नहीं कर रहे हो, जो तुम हो वो तुम नहीं दिखा रहे हो लेकिन कुछ और ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ और ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इसी को स्पूरियस बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, तो सबसे पहला है बॉग्स, फैक्टिशियस, स्पीशियस, काउंटरफीट, स्नाइड, फोर्ज, ऐसे ऐसा कुछ हिंदी में बोलेंगे, फोर्ज्ड, simulated, uncontrived। एक बार रिपीट करेंगे भाई, हे भगवान। स्पूरियस क्या है? स्प्रियस ये भी बोल देते हैं, स्प्रियस। सिनोनिम्स बॉग्स, फैक्टिशियस, factitious, specious, counterfeit, snide,
स्नाइड, फॉज्ड, 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 अनकंट्राइव्ड, 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 सिम्युलेटेड, 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 सिम्युलेटेड। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स बिल्कुल आसान है, एक एक दो दो बार रिपीट करेंगे। सबसे पहला है नेचुरल, क्या है? नेचुरल, 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 ऑथेंटिक, ऑथेंटिक। स्पेलिंग्स याद यहीं से कर लोगे ना, स्पेलिंग्स पूछी जाती थी, ऑथेंटिक की स्पेलिंग कई बार पूछी गई है, जेन्युइन की पूछी गई है, स्पॉन्टेनियस की पूछी गई है, तो स्पेलिंग्स भी तुम यहीं से कर लो, क्योंकि तुम अगर ये सोचते हो स्पेलिंग्स कहीं और से होंगी, स्पेलिंग कहीं और से नहीं होती, स्पेलिंग यहीं से होती है जब आप या तो टाइप करते हो या अपनी नोटबुक में जब नोट करते हो तो वहीं से इंप्रूवमेंट करनी शुरू करो। तो एक बार रिपीट करेंगे, ऑथेंटिक, 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 जेन्युइन, 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 रियल, 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 वैलिड, 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 स्पॉन्टेनियस, 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 स्पॉन्टेनियस। एक बार रिपीट करेंगे मेरे बच्चे, नेचुरल, 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 ऑथेंटिक, 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 जेन्युइन, 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 जेन्युइन। एक इसका ये भी होता है ना, एक होता है यार, चलो मैं बताता हूँ, जेन्युइन, 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 कहाँ पे थे? रियल, 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 वैलिड, 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 स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, अरे बोलो यार तुम, स्पॉन्टेनियस, 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 स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल, सम द आर्ग्यूमेंट्स आर क्वेश्चनेबल, भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स क्वेश्चनेबल थे, एंड अदर्स डाउनराइट स्पूरियस, स्पूरियस, स्पूरियस या स्पूरियस, भी कुछ तो ऐसे थे और कुछ कैसे थे, कुछ ऐसे थे जिन पे भरोसा ना किया जा सके, भाई जिन पे भरोसा ना किया जा सके। और डाउनराइट के मीनिंग की मैं बात करूँ तो डाउनराइट का मीनिंग होता है मेरे बच्चे कंप्लीट, कोई भी चीज़ में, कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट होना, कंप्लीट मीनिंग ले लिया जाता है डाउनराइट का, डाउनराइट का मीनिंग होता है कंप्लीट। तो एक वर्ड हमारा यहाँ पे ये हो गया, वर्ड नंबर 16 हमारे यहाँ पे ये हो गए, 16 वर्ड हो गए इस पहली स्लाइड में। तो अगर मैं बात करूँ इसके एक बार रिपीट करने की, तो वर्ड हमारा स्प्रियस, 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 पार्ट ऑफ स्पीच होगी इसकी, एडजेक्टिव, मीनिंग होता है फॉल्स और डिसीटफुल, नोट व्हाट इट अपीयर्स टू बी। अगर सिनोनिम्स की बात करूँ, बॉग्स, 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 फैक्टिशियस, 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 स्पेशियस, 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 काउंटरफीट, 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 स्नाइड, 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 फॉज्ड,
फॉज्ड 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 सिम्युलेटेड 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 अनकंट्राइव्ड 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 एंटोनिम्स नेचुरल ऑथेंटिक जेन्युइन रियल वैलिड स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस करो इसको कॉपी। यहाँ तक पेन हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। हाँ जी, वर्ड नंबर 17 है एंग्रोस्ड। क्या है एंग्रोस्ड? जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 17 क्या है? एंग्रोस्ड। क्या है? एंग्रोस्ड। मेरे साथ साथ बोलो, एंग्रोस्ड 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 एंग्रोस्ड। पार्ट ऑफ स्पीच है मेरे बच्चे, इसकी वर्ब और मीनिंग होता है गिविंग ऑल योर अटेंशन टू समथिंग कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, मतलब किसी चीज़ में अच्छी तरीके से लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ में किसी भी काम में अपना पूरा ध्यान लगा देना, अपनी पूरी लगन लगा देना, अपनी पूरी लगन लगा देना, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे एंग्रोस्ड। अभी आप अपनी पूरी की पूरी लगन आप अपनी पढ़ाई में लगाओ, पूरी की पूरी लगन आपकी मेहनत पर लगाओ, पूरी की पूरी लगन अपने ड्रीम्स पे लगाओ, और पूरी की पूरी लगन अपने माँ बाप की खुशियों पे लगाओ, क्योंकि तभी आप ये चीज़ें सीख पाओगे, तभी आप ये चीज़ें सीख पाओगे और तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो इसलिए आपको एंग्रोस्ड होना पड़ेगा, तो एंग्रोस्ड का मीनिंग क्या हो गया? एंग्रोस्ड का मीनिंग क्या? गिविंग ऑल योर अटेंशन टू समथिंग, भी किसी भी चीज़ में अपना पूरी की पूरी जी जान लगा दो, इस टाइम पढ़ाई में अपनी पूरी की पूरी जी जान लगा दो, जी जान लगा दो। अब मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिया, अब बात करते हैं इसकी सिनोनिम्स की। कैच, क्या हो गया? कैच मतलब पकड़ना, किसी चीज़ को कैच करना, कोई मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, उसको आप कैच करते हैं। तो वर्ड यूज कर लिया आपने कैच कैच। नेक्स्ट हो गया कैप्टिव 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 कैप्टिव। नेक्स्ट है इंगेज 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 इंगेज। नेक्स्ट एब्जॉर्ब 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 एब्जॉर्ब। रिविट 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 रिविट। ग्रिप 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 ग्रिप। अलर्ट 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 अलर्ट। इंटेंट 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 इंटेंट। इमर्ज्ड 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 इमर्ज्ड। अटेंटिव 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 अटेंटिव। प्रीऑक्यूपाई 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 प्रीऑक्यूपाई, मतलब किसी चीज़ में आप कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो जाएं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये भी किसका सिनोनिम बन सकता है, प्रीऑक्यूपाई प्रीऑक्यूपाई प्रीऑक्यूपाई। रिपीट करेंगे, एंग्रोस्ड 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 एंग्रोस्ड। कैच 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 कैच। कैप्टिव 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 कैप्टिव। इंगेज 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 इंगेज। एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब, रिविट 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 रिविट, अलर्ट 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 अलर्ट, इंटेंट 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 इंटेंट, ग्रिप 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 ग्रिप, अटेंटिव 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 अटेंटिव, प्रीऑक्यूपाई 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 प्रीऑक्यूपाई, इमर्ज्ड 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 इमर्ज्ड। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एब्स्ट्रैक्टेड 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 एब्स्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड 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 डिस्ट्रैक्टेड, इनअटेंटिव 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 इनअटेंटिव। आपको पता है इन अन इम ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ों को नेगेटिव करने की कोशिश करती है। तो क्या हो गया, इनअटेंटिव इनअटेंटिव इनअटेंटिव, अनफोकस्ड अनफोकस्ड अनफोकस्ड, यहाँ पे आप फोकस्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अनफोकस्ड 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 अनफोकस्ड, एब्सेंट माइंड एब्सेंट माइंड एब्सेंट माइंड एब्सेंट माइंडेड सॉरी एब्सेंट माइंडेड एब्सेंट माइंडेड एब्सेंट माइंडेड एब्सेंट माइंडेड एब्सेंट माइंडेड एब्सेंट माइंडेड एब्सेंट माइंडेड, इन ऑब्जर्वेंट 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 इन ऑब्जर्वेंट। रिपीट करेंगे, एब्स्ट्रैक्टेड 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 एब्स्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड 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 डिस्ट्रैक्टेड, अब्सेंट माइंडेड अब्सेंट माइंडेड अब्सेंट माइंडेड अब्सेंट माइंडेड अब्सेंट माइंडेड अब्सेंट माइंडेड अब्सेंट माइंडेड, इनअटेंटिव 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 इनअटेंटिव, अनफोकस्ड 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 अनफोकस्ड, इनऑब्जर्वेंट 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 इनऑब्जर्वेंट। इसका एग्जांपल, दे वर सो एंग्रोस्ड इन व्हाट दे वर डूइंग दैट दे डिड नॉट हियर टू हियर मी कम इन मी। उस टाइम वो क्या थे, उस टाइम वो पूरे के पूरे लीन हो चुके थे जिस चीज़ में, वो लीन हो चुके थे, समझ गए। तो अब बात करते हैं, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। वर्ड हमारा एंग्रोस्ड क्या है, एंग्रोस्ड पार्ट ऑफ स्पीच होगी, एडजेक्टिव सॉरी वर्ब वर्ब क्या हो रहा है पता नहीं यार मेरे को, आज ये दर्द कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया मेरे को लगता है ना। गिविंग ऑल योर अटेंशन टू समथिंग कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। सिनोनिम्स, कैच कैच, कैप्टिव कैप्टिव, इंगेज इंगेज, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, रिविट रिविट, ग्रिप ग्रिप ग्रिप, अलर्ट अलर्ट, इंटेंट इंटेंट, इमर्ज्ड इमर्ज्ड, अटेंटिव अटेंटिव, प्रीऑक्यूपाई प्रीऑक्यूपाई। एंटोनिम्स, एब्स्ट्रैक्टेड एब्स्ट्रैक्टेड डिस्ट्रैक्टेड डिस्ट्रैक्टेड, इनअटेंटिव इनअटेंटिव, अनफोकस्ड अनफोकस्ड, एब्सेंट माइंडेड एब्सेंट माइंडेड, इनऑब्जर्वेंट इनऑब्जर्वेंट। करो कॉपी।
वर्ड नंबर 35 है हमारा प्रूडेंट, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 35 है प्रूडेंट, मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, प्रूडेंट 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 प्रूडेंट, मीनिंग केयरफुल एंड अवॉइडिंग रिस्क। भी ऐसा पर्सन जो रिस्क को अवॉइड करता है, रिस्क को अवॉइड करता है और केयरफुल रहता है। कैसे रहता है? केयरफुल रहता है कि हाँ कोई रिस्क ना हो। थोड़ा सा दिमाग वाला बंदा, दिमाग वाला बंदा कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ ऐसा इंसान जो देखता है चीज़ों को कि ये अगर मैं ऐसा करूँ तो ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। इन दोनों चीज़ों के बीच में जो तालमेल बिठाता है, इन दोनों चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस कर पाता है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों में भी डिफरेंस कर लेता है, छोटी छोटी बातों से उसको पता लग जाता है कि हाँ इसमें ये कमी है, ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट बुरा है, उसी को ही हम प्रूडेंट बोलते हैं, उसी को ही हम प्रूडेंट बोलते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, प्रूडेंट बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करूँ, जुडिशियस, क्या आ गया? जुडिशियस 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 जुडिशियस। उसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेगेसियस 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 सेगेसियस। नेक्स्ट श्र्यूड 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 श्र्यूड। एक मिनट भाई। नेक्स्ट है चेरी 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 चेरी। सैन 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 सैन। उसके बाद है मेरे भाई एस्ट्यूट 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 एस्ट्यूट। परस्पिकेसियस 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 परस्पिकेसियस। डिसार्निंग 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 वर्ब होती है जिसका मीनिंग शायद हमने पहले किया हो कि चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से देखना, मतलब जासूसी करना। जासूसी करने के लिए डिसर्न वर्ड यूज कर लिया जाता है ना, डिसार्निंग, चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना, डिसार्निंग। एक बार रिपीट करेंगे, वर्ड है हमारा प्रूडेंट 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 प्रूडेंट। जुडिशियस 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 जुडिशियस। सेगेसियस 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 सेगेसियस। श्र्यूड 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 श्र्यूड। चेरी 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 चेरी। सैन 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 सैन। एस्ट्यूट 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 एस्ट्यूट। डिसर्निंग 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 डिसर्निंग। परस्पिकेसियस 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 परस्पिकेसियस। एंटोनिम्स की बात करूँ, फुलिश 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 फुलिश। इनडिस्क्रीट 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 इनडिस्क्रीट। इम्प्रूडेंट 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 इम्प्रूडेंट। इनजुडिशियस 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 इनजुडिशियस। नीडलेस नीडलेस नीडलेस
नीडलेस नीडलेस नीडलेस नीडलेस, फुलिश 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 फुलिश, इनडिस्क्रीट 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 इनडिस्क्रीट, इम्प्रूडेंट 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 इम्प्रूडेंट, इनजुडिशियस 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 इनजुडिशियस, नीडलेस 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 नीडलेस। एग्जाम्पल, इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू रीड एज अ कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली रेफर सिंगिंग इट। भाई ऐसा हमें करना चाहिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना चाहिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हमें चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना चाहिए, समझ गए ना। तो केयरफुली पढ़ना चाहिए, केयरफुली रिस्क से अनजान मत बन के रहो, मतलब जानकार बन के रहो। तो वर्ड हमारा प्रूडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव मीनिंग केयरफुल एंड अवॉइडिंग रिस्क। सिनोनिम्स, जुडिशियस जुडिशियस सेगेसियस सेगेसियस, श्रूड श्रूड, चेरी चेरी, सैन सैन, एस्ट्यूट एस्ट्यूट, डिसर्निंग डिसर्निंग, परस्पिकेसियस परस्पिकेसियस। एंटोनिम्स, फुलिश फुलिश, इनडिस्क्रीट इनडिस्क्रीट, इम्प्रूडेंट इम्प्रूडेंट, इनजुडिशियस इनजुडिशियस, नीडलेस नीडलेस। करो इसको कॉपी। हाँ जी, वर्ड नंबर 49 है सेवंथ। क्या है सेवंथ? क्या है सेवंथ? जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है मेरे बच्चे नाउन वर्ड है सेवंथ सेवंथ सेवंथ। मीनिंग पर्सन विद हाई लेवल ऑफ नॉलेज उन स्किल अ स्कॉलर। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा इंसान जिसका आईक्यू बहुत ज़्यादा हो, जो विद्वान हो, जिसकी किसी भी चीज़ के बारे में, जो भी चीज़ उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, मतलब हाई लेवल की नॉलेज हो उस इंसान को हाई लेवल की नॉलेज हो, उस पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं सेवंथ। क्या करते हैं सेवंथ? क्या करते हैं सेवंथ? हिंदी मीनिंग की बात करूँ, विद्वान। क्या हो गया? विद्वान, समझ गए। स्कॉलर का मतलब विद्वान ही तो होता है, स्कॉलर का मतलब विद्वान ही तो होता है। तो बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, सेज 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 सेज, जीनियस 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 जीनियस, इंटेलेक्चुअल 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 इंटेलेक्चुअल, विजार्ड 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 विजार्ड, मास्टर 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 मास्टर, स्कॉलर 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 स्कॉलर, सेवेंट 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 सेवेंट, सेज 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 सेज, जीनियस 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 जीनियस, इंटेलेक्चुअल 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 इंटेलेक्चुअल, विजार्ड 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 विजार्ड, मास्टर 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 मास्टर, ये नाम बड़ा फेमस है ना हमारे लिए, मास्टर मास्टर, स्कॉलर 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 स्कॉलर। एंटोनिम्स, डॉग 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 डॉग,
डंस 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 इडियट, ये तो तुम्हें पता ही है, इडियट 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 इम्बिसिल 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 इग्नोरमस 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 डॉप 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 डांस 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 इडियट 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 इम्बेसिल 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 इग्नोरमस 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 एग्जाम्पल ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेवेंट हु बिकेम प्रेजिडेंट। इसका एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल मैं इसका स्वामी विवेकानंद जी भी ले सकता हूँ। तो जी एक बार रिपीट कर देंगे, वर्ड है हमारा सेवेंट, पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन, मीनिंग होता है पर्सन विद हाई लेवल ऑफ नॉलेज ऑन स्किल अ स्कॉलर। सिनोनिम्स सेज सेज जीनियस जीनियस इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल विजार्ड विजार्ड मास्टर मास्टर स्कॉलर स्कॉलर। एंटोनिम्स डॉप डॉप डांस डांस इडियट इडियट इम्बेसिल इम्बेसिल इग्नोरेमस इग्नोरेमस। करो कॉपी कॉपी। वर्ड नंबर 61 है फॉरवर्डिंग 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 फॉरवर्डिंग। मीनिंग होता है अ फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन, मतलब कुछ गलत होने वाला हो ऐसा आभास हो जाए, कुछ गलत होने वाला हो ऐसा आभास हो जाए, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फॉरवर्डिंग 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 फॉरवर्डिंग। और पार्टिसिपेट होती है इसकी नाउन, कहने का मतलब कुछ भी गलत होने वाला हो, जैसे कि आपको एंजाइटी होती है कि जैसे यार कुछ होने वाला हो, घबराहट होती है घबराहट होती है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं फॉरवर्डिंग। सिनोनिम्स की बात करूं, एंजाइटी क्या हो गया, एंजाइटी 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 एंजाइटी। एप्रीहेंशन 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 एप्रीहेंशन। perturbation 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 perturbation। disquiet 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 disquiet। dread 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 dread। trepidation 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 trepidation। premonition 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 premonition। एक बार रिपीट करेंगे, forwarding 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 forwarding
फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग सिनोनिम्स एंजाइटी 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 एप्रीहेंशन 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 perturbation 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 disquiet 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 dread 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 premonition 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 trepidation 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 इसके एंटोनिम्स काम 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 benign 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 auspicious 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 bright 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 favorable 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 prosperous 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 encouraging 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 repeat calm 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 benign 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 auspicious 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 bright 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 favorable 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 prosperous 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 encouraging 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 इसका example there is a sense of foreboding in the capital एज इट कोरोना माइट कम एनी टाइम. आपको पता है कोरोना भी कभी भी आ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है. बार बार अपने वेरिएंट चेंज कर देता है, अपनी शेप चेंज कर देता है, तो इसलिए हमें उसका कोई भरोसा नहीं है. सो बच के रहें, मास्क लगा कर रखें भाई, ठीक है. तो वर्ड है हमारा फॉरवर्डिंग. फॉरवर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और मीनिंग फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन, कुछ गलत होने वाला हो ऐसा एहसास होना, ऐसा एहसास होना. सिनोनिम्स एंजाइटी एंजाइटी एप्रीहेंशन apprehension perturbation perturbation disquiet disquiet dread dread premonition 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 trepidation 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 antonyms calm calm benign benign auspicious auspicious उसके बाद है bright bright favorable 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 prosperous prosperous और encouraging encouraging. हाँ जी, तो मेरे भाई क्लास नंबर 25 हुई हमारी कंप्लीट और आज हमने 75 वर्ड्स किए हैं. आज हमने 75 वर्ड्स किए हैं. कहने का मतलब, कहने का मतलब आपने एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से रिपीट करना है, पढ़ना है, पढ़ते रहना है और नखरे तो बिल्कुल नहीं करने. आज मेरा पेन हो रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक भी नहीं रह पाया. ज़्यादा ही पेन हो रहा था यार, ज़बरदस्त लगी थी मुझे तभी, तो अभी भी हो रहा है, दोनों हाथों में हो रहा है. सो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है. जीके के लिए मेरा अलग पेज है और इसके लिए अलग पेज है. सो प्लीज़ फॉलो करते रहिए और जल्दी ही मैं यहाँ पर आपके लिए
जीके की क्लासेस भी लेके आने वाला हूँ। सो थोड़ा वेट करें, थोड़ा सा एक बार काम खत्म हो जाए जैसे थोड़ा मोटा है वो, उसके बाद हम जीके की क्लासेस देखेंगे। वीक में दो तो कन्फर्म है, बाकी पता नहीं, बाकी टाइम बताएगा, आप पे डिपेंड है। सो बाय बाय, टाटा, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।